नमस्कार दोस्तों, आज के अपनी वीडियो के अंदर हम लोग समझेंगे चार उन तरीकों के बारे में जिससे कि आप किसी भी स्कीम का शिकार होने से बच सकते हैं और स्कैमर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहला, वो जो स्कैमर है वो आपको सबसे पहले अपने आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन से, इंस्टीट्यूशन से, बैंक से या फिर गवर्नमेंट की तरफ से अपने आपको रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा, वो जो स्कैमर है वो आपको सबसे पहले बताएगा कि आपके अकाउंट में कोई इशू है या फिर आपको कोई प्राइज मिलने वाला है या फिर आपके नाम पर कोई लॉटरी लगी है, इस तरह से वो कहानी बताएगा ताकि आप लालच में आ जाए। तीसरा, जो स्कैमर है वो आपको तुरंत एक्शन लेने के लिए कहेगा कि मींस आपको इमीडिएटली जो है वो जैसे ऐसे बोलता है यार आपको फॉलोअप करना है, अदरवाइज आपकी या तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी या तो फिर जो आप प्राइस के हकदार हैं वो आपको नहीं मिल पाएगा। चौथा जो है वो जो स्कैमर है वो आपको किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का मोड बताएगा कि मींस आपको उसी जरिए से केवल पेमेंट करनी है, अदरवाइज आपको आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो पाएगी या फिर जो आपका प्राइस है वो मिल नहीं पाएगा। तो ये चार पॉइंट्स बेसिकली आपको ध्यान रखने हैं जब भी आपको लगता है कि मींस आप किसी स्कैम का शिकार होने वाले हैं या फिर मींस आपको सामने वाले को बेसिकली इंटरोगेट करना अच्छे से ताकि आपको पता रहे कि मींस ये जो व्यक्ति है ये स्कैम करने वाला व्यक्ति है और आपके साथ फ्रॉड कर सकता है। धन्यवाद।